नाज़रीन जमियत उलमा पाकिस्तान चूंडनि में पीपल्स पार्टी की हिमायत जो ऐलान कर छो है। जमियत उलमा पाकिस्तान के सरबराह अबुल खेर मोहम्मद जुबैर हैदराबाद में पीपी अगवान शर्जिल वेमण बेन गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे सजे मुल्क में पैं उम्मीदवार के पीपी के हक में हथ खण ऐलान किया। मौके पीपी अगवान शर्जिल इनाम वेमण है तो सिंध में पीपल्स पार्टी को भी मुकाबलो न सके। पीटीआई नवाज लीग माजी में सबक ना सीखो। बई पार्टियों टकराव की सियासत चाहन थी। पीपी कदें भी इंतकाम की सियासत ना कई। उन्होंने पीपल्स पार्टी जो फोकस आवाम जहाँ बस्ता मुल्क जवाम महंगाई की चकी में पीस जी रो है। पीपी के मंशूर में मुल्क के समूरन मसलन जो हल मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान अबुल खेर मोहम्मद जुबैर चुकी कायद जुल्फिकार अली भुट्टो से गड़ी आयन ठा आसिफ जरदारी यकीन दियारो है तो इकदार में अची आयन की बालादस्ती लाए कम कद। नाज़रीन एक बार बीर असम खबर शेयर क्यों पा। जमियत उलमा पाकिस्तान चूंडन में पीपल्स पार्टी की हिमायत जो ऐलान कर छो है। जमियत उलमा पाकिस्तान के सरबराह अबुल खेर मोहम्मद जुबैर हैदराबाद में पीपी अगवान शर्जिल मेमन बेन गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सजे मुल्क में पैं उम्मीदवार के पीपी के हक में हथ खण ऐलान किया। उन मौके पीपी अगवान शर्जिल इनाम मेमन है सिंध में पीपल्स पार्टी को भी मुकाबलो न सके। पीटीआई नवाज लीग माजी में सबक ना सीखो। बई पार्टियों टकराव की सियासत चाहन थी। पीपी कदें भी इंतकाम की सियासत ना कई। उन्होंने तो पीपल्स पार्टी जो फोकस आवाम जहाँ मस्ता मुल्क जो आवाम महंगाई की चकी में पीस जी रो है। पीपी के मंशूर में मुल्क के समूरन मसलन जो हल मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान अबुल खेर मोहम्मद जुबैर जो मुझे कायद जुल्फिकार अली भुट्टो से गड़ी आयन ठा आसिफ जरदारी यकीन दियारो है तो इकतदार में अची आयन की बालादस्ती लाए कम कद।